नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई प्रेस अपडेट के साथ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 बड़ी भर्ती आने वाली है दोस्तों। तो जिनका भी सीटी एग्जाम अच्छा हुआ है तो वे सभी तैयारी में लग जाए, जिनका सीटी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो वे भी तैयारी लग जाए, क्योंकि दोनों अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आने वाली नई भर्ती के अंदर तो मौका मिलेगा। तो किस प्रकार से मौका मिलेगा पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, तो कल की डेट के अंदर तो एक नोटिस आया जिसके अंदर बताया गया कि वह 1300 बुक कुर्सी तक तो नए पदों का वर्ष सृजन हुआ था। दोस्तों आपकी अब आने वाली नई कांस्टेबल भर्ती आपकी लगभग 10,000 प्लस पदों पर जा सकती है दोस्तों। तो जिनका भी सपना है तो वर्दी पाने का, उन सभी के लिए तो बड़ी भर्ती आने वाली है। तो अभी से वह तैयारी में लग जाए, क्योंकि दोस्तों भर्ती आने में एक दिन लगता है लेकिन आपकी वह तैयारी एक दिन के अंदर वो नहीं होती। अब बात करते हैं जिनका सीटी एग्जाम अच्छा हुआ है तो वे तो दोस्तों वो सीटी के अंदर से आने वाली तो कांस्टेबल वो सामान्य ड्यूटी की वो तैयारी वो कर सकते हैं। और वो जिनका सीटी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो उनके लिए तो बड़ी भर्ती आने वाली, जैसे आरएससी की दोस्तों वो 2 से 3 हज़ार तो पदों पर आरएससी आने वाली, और वो 2,000 पदों पर आरआईएसएफ यानी कि राजस्थान औद्योगिक व सुरक्षा बल की भर्ती आने वाली, यानी कि वो दोनों को तो मिलाकर बात करें तो 5,000 पदों पर आपकी ये अलग से वो 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए आएगी जिनका सीटी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। तो इस हिसाब से देखें तो जिनका सीटी एग्जाम अच्छा हुआ वे भी तैयारी में लग जाए, और जिनका सीटी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ वे भी तैयारी में लग जाए, क्योंकि दोस्तों अभी ये वो चुनावी साल है और इसके अंदर तो बम्पर भर्तियाँ देखने को मिलेगी। और दोस्तों उम्मीद है कि इसी वो साल ये भर्तियाँ भी वो कम्प्लीट हो जाएगी, और दोस्तों आने वाली वो सरकार आते ही तो कोई भी भर्तियाँ नहीं निकालेगी। अगर आप इस साल तो किसी तो एक भर्ती के अंदर वो सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपके लिए तो बड़ा वो सुनहरा अवसर होगा, अन्यथा दोस्तों आपको 1 से 2 साल का और इंतज़ार वो करना पड़ेगा। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाए दोस्तों, क्योंकि तो भर्तियाँ हर विभाग में आएगी लेकिन भर्तियाँ सिर्फ वो तैयारी मांगती है। अगर अपडेट ऐसी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।